हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DC247 में। जैसा कि कल हमने चर्चा किया था यूनिट डिजिट के बारे में, इकाई अंक ज्ञात करना, तो कल हम बेसिक्स थोड़ा सा दो रूल के नियम के बारे में हमने जाना था। आज हम देखते हैं इसके आगे कि हमारे घात वाले कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी भी एग्ज़ाम में ले लीजिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बिल्कुल पूछे ही जाते हैं यहाँ से। तो चलिए हम सबसे पहले आज थोड़ा सा घात वालों के नियम के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले नियम हम देखते हैं और देखते हैं कि करना कैसे। जैसे एक मैं एग्जाम्पल पहले लिखा, जैसे 546 की घात 412, ये आपका एग्जाम्पल जैसे लिया। अब यहाँ पास दोस्तों क्या है, 546 में हमें क्या देखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक, और यहाँ इकाई का अंक क्या है, 6 है। इसमें क्या है, 546 में इकाई का अंक 6 है। जैसे एक और एग्जांपल यदि हम लेते हैं और देखते हैं 617 की घात 61, यहाँ पास यूनिट डिजिट हमारा क्या है, इकाई का अंक 7 है। अब हम दोस्तों चेक करते हैं थोड़ा सा नियम के बारे में, पहले हम देखते हैं। तो पहला नियम ही हमारा यही कहता है कि यदि इकाई के अंक में 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए, तो हमारा इकाई का अंक क्या रहेगा, वही रहेगा। अर्थात वही मतलब यदि इकाई के अंक में 0 आ रहा है तो इकाई का अंक क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। यदि इकाई के अंक में 1 आ रहा है तो इकाई का अंक 1 ही रहेगा। यदि इकाई के अंक में 5 आ रहा है तो 5 ही रहेगा, और यदि इकाई के अंक में 6 आ रहा है तो हमारा इकाई का अंक 6 ही रहेगा। इसके अलावा जो भी संख्याएं बचती हैं हमारी, जैसे 2, 3, 4, 7, 8, 9, इनके लिए हमारा थोड़ा सा अलग रूल चलता है। तो उसमें हम क्या देखेंगे, यदि इकाई के अंक में 2, 3, 4, 7, 8, 9 आ जाए तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, इनके घात में देखना है। जैसे यहाँ इकाई के अंक में 7 है तो सबसे पहला हमारा क्या है कि घात देखें, और घात में क्या करना, हमें 4 का भाग दे देना है। घात में क्या करना है, 4 का भाग दे देना है, और 4 का भाग देने पर हमारा जो शेषफल प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होना चाहिए, शेषफल। जो शेषफल प्राप्त होता है उसको घात के स्थान पर लिख देंगे। जैसा कि यहाँ हमने 61 में 4 का भाग दिया तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 4 × 1 = 4, 2 × 1 = 4, 5 = 20, हमारा शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमें घात के स्थान पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो हमें दो नियम हमने देखा, सबसे पहला क्या देखा कि यदि इकाई के अंक में 0, 156 अर्थात 0, 1, 5, 6 आएगा तो इकाई का अंक वही रहेगा। लेकिन इनके अलावा जो भी संख्याएं हैं, 2, 3, 4, 7, 8, 9 यदि आ जाए इकाई के अंक में, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले घात में हम 4 का भाग देंगे, और भाग देने पर जो हमारा शेषफल बचेगा वह घात के स्थान पर हम लिख देंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए दोस्तों हम अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इनके, कि कैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये रूल आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के बारे में कि कैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक हमने एग्जाम्पल ले लिया, 6896 की घात 514। अब यदि इसमें आपसे बोले कि इकाई का अंक क्या आएगा, तो सबसे पहले अभी हमने क्या रूल बताया था कि यदि 0, 1, 5, 6 आ जाए तो हमारा घात, सॉरी 0, 1, 5, 6 आ जाए यदि इकाई के अंक में, तो हमारा इकाई का अंक वही रहेगा। अर्थात यहाँ इकाई के अंक में 6 आ गया है तो यहाँ इकाई का अंक हमारा क्या आ जाएगा,
छह ही आ जाएगा, अर्थात आपका आंसर क्या आएगा, छह आएगा। यहाँ हमें घात से मतलब नहीं होता, कहाँ मतलब नहीं होता, यदि जीरो एक पाँच और छह आ जाए तब। अब आगे हम देखते हैं अगले एग्जाम्पल, जैसे लिया 237 की घात 53। अब यहाँ जीरो एक पाँच छह नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं इनके अलावा जो भी संख्याएं आ रही हैं, इकाई के अंक में सात आ रहा है। तो जैसे ही हमारा इकाई के अंक में जीरो एक पाँच छः के अलावा आ जाएं, तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, घात पर नज़र रखनी है, और घात में हमें क्या कर देना है, चार का भाग दे देना है, और चार का भाग देने पर जो हमारा शेषफल प्राप्त होता है उसको हम घात के स्थान पर लिख देते हैं। तो यहाँ से यदि हम देखें तो शेषफल हमारा कितना आ रहा है, एक बच रहा है, अर्थात 237 की घात एक। अब हमें काम क्या करना है, सिर्फ इकाई का अंक देखना है, अर्थात सात की घात एक, अर्थात फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, सात ही आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे 568 की घात 46, 568 की घात 46। हम क्या देख रहे हैं, इकाई का अंक क्या है, आठ है। तो सबसे पहले हम घात पर बात करेंगे, और घात में चार का भाग दे देंगे, और कितना आ रहा है, चार कम चार, और चार कम चार, अर्थात शेषफल कितना आ रहा है, यहाँ दो आ रहा है। तो घात के स्थान पर दो लिखे, अर्थात क्या हम लिख सकते हैं, सिर्फ इकाई का अंक लिखना है, तो आठ की घात दो, अर्थात आठ अठाई चौंसठ, और चौंसठ में हमें इकाई का अंक क्या आ गया, चार आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा। चलिए दोस्तों, और कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं इनके, और हम प्रयास करते हैं आगे क्वेश्चन। आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है तो अभी चेंज हो गया है, क्वेश्चन का परिवेश चेंज हो गया है, उनके बारे में हम देखते कैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक और इसमें से नियम ये आ रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 712 की घात 52। अब यहाँ पास हमें ध्यान देना है थोड़ा सा, यहाँ क्या करना है, दो आ रहा है, अर्थात हमें क्या देखना है, घात, घात में हमें किसका भाग दे देना है, चार का भाग दे देना है। और अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि यदि घात में चार का भाग दे दिए, तो यदि ये पूरी तरह कट जा रहा है, अर्थात यहाँ देखें तो शेषफल कितना आ रहा है, जीरो। तो हमें शेषफल जहाँ यदि जीरो आ रहा है, तो हमें जीरो नहीं लिखना है, क्या लिखना है, पूरा पूरा चार लिख देना है, अर्थात चार। तो दो की घात चार, और दो की घात चार कितना आएगा, दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो, तो दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16 में, अर्थात कितना आ गया फाइनल आंसर, छः आ गया। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमने उठाया 6896 की घात 38 प्लस 6895 की घात 37 प्लस 642 की घात 94। अब इसमें हमें करना कैसे देखते हैं। अब यहाँ क्या है, सबसे पहले 6896 की घात 38, जैसा कि हमने अभी क्या बताया था कि यदि जीरो आ जाए, एक आ जाए, पाँच आ जाए और छः आ जाए इकाई के अंक में, तो हमारा क्या रहेगा आंसर, क्या आएगा, इकाई का अंक वही रहेगा, और यहाँ इकाई के अंक कितना है, छः है, तो हमारा इकाई का अंक यहाँ क्या रहेगा, छः ही आएगा, अर्थात सिक्स। यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस,
अब यहाँ देखते हैं, यहाँ भी हमारा इकाई का अंक 5 है, तो इकाई का अंक यदि 5 आ रहा है तो हमारा इकाई का अंक वही रहेगा प्लस। अब यहाँ इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें क्या करना, हमें जो घात है घात में हम क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे, और 4 का भाग देने से जो हमारा शेषफल बचेगा वह घात के स्थान पर हम लिख देंगे। और शेषफल यहाँ कितना बच रहा है, 4 × 2 = 8, बचा कितना 1 और 4, 4 × 3 = 12, शेष कितना बचा 2। तो हमें इसके स्थान पर क्या लिख देना है, 2, अर्थात 2 की घात 2। अब सभी को हमें जोड़ लेना है, तो 6 + 5 + 2 = 4, तो 6 × 5 = 11, 4 = 15, और 15 में भी इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। कुछ और हम एग्जांपल हम देखते हैं इनके, हमें कैसे करना है, और एक दो एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन और लिया मैंने, 667 की घात 564 + 623 की घात 606 + 6796 की घात 6792। अब हमें इसको सॉल्व करना, कैसे हमें करना, अब हम इसको चेक करते हैं थोड़ा सा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 768 इकाई के अंक में क्या है, 8 है, और 8 है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, घात में, और घात में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 4 का भाग देना पड़ेगा। अब 4 का भाग देना है तो हमें 514 में नहीं देना है, सिर्फ इकाई और दहाई अंक में 4 का भाग दे दें, क्यों, 4 का रूल हमने बताया ही था, क्या बताया था, इकाई का अंक और दहाई का अंक देखना है। तो यहाँ हमें सिर्फ किस में भाग देना है, 4 का भाग 14 में देंगे तो शेष कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, तो 8 की घात 2 प्लस, यहाँ भी हमें 3 अंक है, सिर्फ इकाई और दहाई में देखना है, इकाई और दहाई का 4 से भाग देना है और जो शेषफल बचेगा उसको घात के स्थान पर लिख देना है, अर्थात 3 की घात 3 प्लस, यहाँ इकाई के अंक में 6 आ गया तो हमें ये देखना ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 6, तो यहाँ 8 × 8 = 64 + 3 + 9 = 27 + 6 कितना आएगा, इकाई का अंक सिर्फ हमें देखना है, इकाई का अंक जोड़ लेना है, तो 4, 7, 11, 11 और 6 = 17, और 17 में भी इकाई का अंक क्या है, 7 है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और यदि आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिख देंगे और क्वेश्चन सेंड कर देंगे, और मैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो थैंक यू।